मोहम्मद शमी ने 3 सितंबर को अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। यूपी में अमरोहा के करीब एक छोटे से गांव सहसपुर के रहने वाले शमी बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे। उनके पिता भी अपने जमाने के फास्ट बॉलर रहे, जिसके बाद अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने शमी को क्रिकेट सीखने के लिए कोलकाता भेजा था। शमी के पिता तौसीफ अली भी अपने जमाने में फास्ट बॉलर हुआ करते थे, हालांकि ज्यादा मौका नहीं मिलने की वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो सका और उन्होंने ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल ली। उनके तीनों बेटे भी उन्हीं की तरह अच्छे क्रिकेटर निकले और तीनों को फास्ट बॉलिंग का शौक रहा। इनमें से बड़े बेटे ने किडनी में पथरी होने के बाद फैमिली बिजनेस संभाल लिया। शमी बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन रहे। उन्हें गांव में जहां जगह मिलती वहीं गेंदबाजी करने लग जाते। घर के आंगन में, छत पर, बाहर खाली पड़ी जगह पर 22 गज से लंबी हर जगह उनके लिए पिच होती थी। शमी शुरू से ही काफी फास्ट बॉलिंग करते आ रहे हैं। उनकी रफ्तार ने बहुत कम उम्र में ही उन्हें आसपास के गांव में फेमस बना दिया था। स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंटों का आकर्षण होते थे। तौसीफ अली ने तीनों बेटों के बीच अपने मझले बेटे यानी शमी को सबसे ज्यादा टैलेंटेड पाया। वो इसीलिए उन्हें मुरादाबाद में रहने वाले बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास लेकर गए, जो कि क्रिकेट की कोचिंग देते थे। बदरुद्दीन की कोचिंग में शमी को काफी फायदा तो मिला, लेकिन यूपी के छोटे से शहर में रहकर आगे बढ़ने के ज्यादा चांस नहीं थे। करीब साल भर बाद उनके पिता ने उन्हें अच्छी तैयारी के लिए कोलकाता भेज दिया। शमी साल 2005 में करीब 16 साल की उम्र में क्रिकेटर बनने का सपना लेकर यूपी के एक छोटे से गांव से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने डलहौजी एथलेटिक्स क्लब से क्रिकेट खेलना शुरू किया। कोलकाता पहुंचने के बाद शुरुआती दिनों में शमी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद कई बार उन्हें डलहौजी क्लब के अंदर लगे टेंट्स में रातें गुजारनी पड़ी। हालांकि कुछ दिनों बाद थोड़ा पैसा मिलने के बाद वो वहां के बाकी क्रिकेटर्स के साथ रूम शेयर करके रहने लगे। उस वक्त डलहौजी के लिए उन्हें एक मैच खेलने पर 500 रुपए मिलते थे। इसके कुछ महीनों बाद शमी ने कोलकाता का नामी टाउन क्लब ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें सालाना 75,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके अलावा उन्हें 100 रुपए हर दिन खाने के मिलते थे। इसके बाद शमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर बंगाल की रणजी टीम में शामिल हुए और शमी ने नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेला। सीरीज का यह पहला मैच था और सचिन तेंदुलकर के करियर का सेकंड लास्ट मैच। इस मैच की पहली इनिंग में शमी ने केवल 17 ओवर में 4 विकेट झटक लिए। इसकी दूसरी इनिंग में उन्होंने 13 ओवरों में 5 विकेट लेकर जबरदस्त डेब्यू किया। भारत ने वो मैच 1 इनिंग और 51 रन से जीता था। उन्होंने अपना डेब्यू वनडे मैच जनवरी 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 10 में से 4 ओवर मेडन डाले थे। आज शमी भारतीय टीम के बेहद अहम सदस्य हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।